रुखस्टार और मैं हूँ रुखसार। सो स्वागत है आपका एक और ब्लॉग में। और आज हम लोग जाने वाले हैं सूरजकुंड मेला, एक्सप्लोर करेंगे कि क्या क्या है वहाँ पर। सो ये मैं अपना फर्स्ट सूरजकुंड मेला एक ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। एंड अभी यहाँ पर मैंने एक कान में तो झुमका पहन लिया और एक में नहीं पहना। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ और मैं थोड़ा सा लेट हो रही हूँ। तो मैं सोचा कि स्टार्टिंग यहीं से कर देती हूँ, जिससे कि आप लोगों को पता रहे कि कैसे कैसे लाइक हम लोग गए हैं। बंद हो जा या। और अभी जो मैंने पहना है वो बिल्कुल ट्रेडिशनल सा सूट एंड प्लाजो का सेट है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं एक बार आप लोग को दिखा देती हूँ। ये है सूट और यहाँ पर साइड में मैंने डिज़ाइनिंग करी हुई है बटन एंड लूप्स के साथ। और ये हैंड पेंट सूट है, बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरा। एंड स्लीव्स पर भी इस तरीके का हैंड पेंट है और ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और नीचे की साइड पर ये पूरा लॉन्ग सूट मैंने बनाया है, नीचे भी काफ़ी सुंदर सा डिज़ाइन वगैरह है। साइड में ये मैंने ऐसे कुछ डिज़ाइन बनाया, अगर आपको देखना है ना तो आप देख सकते हैं मेरे मेन चैनल पे जाके कट एंड स्टिचिंग स्टाइल्स पर। एंड नीचे की साइड पर ये सिंपल सा प्लाजो है इस तरीके का। और अभी मैंने स्लीपर्स पहनी हुई हैं, इसको उतार के मैं जूती पहनने वाली हूँ या जिससे कि चलने में ज़्यादा पैरों में दुख भी ना हो, दर्द भी ना हो और अच्छे से मैं घूम सकूँ वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर तो पैदल ही चलना होता है। सो या चलते हैं जल्दी जल्दी से, मैं रेडी हो जाती हूँ। रेडी भी हो गई हूँ, बस सामान वगैरह लेना है और वॉलेट वगैरह। सो जल्दी से चलते हैं। सो गाइस हम लोग यहाँ पर ऑटो से उतर चुके हैं और अभी कुछ डिस्टेंस बाकी है, अभी हम लोग अंदर नहीं आए हैं। तो कुछ वॉकिंग डिस्टेंस करके हमें अंदर जाना होगा क्योंकि पहले ही ऑटो वाले ने हमें उतार दिया। आई डोंट हैव अ कार, तो मैं ऑटो से आई हूँ। सो चलते हैं यहाँ पर। आई डोंट नो कि मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर। सो गाइज ये है टिकट काउंटर जहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं क्योंकि हम लोग 2 बज गए हैं हमें आने में। अगर आप जल्दी आएंगे यानी कि अर्ली मॉर्निंग आएंगे तो हो सकता है कि आपको इतने ज़्यादा लंबी लाइनें ना मिले, क्योंकि आज लास्ट डे है तो भी इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। एंड मीट माई फ्रेंड निदा। मैं अकेले नहीं आई हूँ, निदा के साथ आई हूँ। और ये है मेरा छोटा भाई, यंगर ब्रदर साहिल। से हाय। सो या अभी हम लोग सबसे पहले टिकट्स लेंगे और आज है टिकट का रेट 180 है ना, 180 है। और स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए 90 रुपये नहीं है, 180 है, क्योंकि हम लोग वीकेंड्स पे आए हैं। सैटरडे और संडे 180 है, बाकी डेज पे 120 है, बट आज है लास्ट डे। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। सो या सबसे पहले हम लोग यहाँ से टिकट लेते हैं और ये है एंट्री, ये है यहाँ से होगी एंट्री हमारी, देख रहे हैं आप। तो ये सूरजकुंड जो मेला है ना वो इंटरनेशनल वीकेस्ट मेला है यहाँ का। एंड लेट्स एक्सप्लोर यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या लाइक यहाँ पर कहते हैं सब कुछ हैंडमेड मिलता है, हाथों से बना हुआ मिलता है, देखते हैं एक्सप्लोर। सो गाइज यहाँ से हम लोगों ने एंट्री ले ली थी, हम लोग अंदर आ गए थे। और जब आप अंदर एंट्री करेंगे तो देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल्स दिखेंगे जहाँ पर अलग अलग देशों से लोग आते हैं और अपना कल्चर दर्शाते हैं और आपकी उनकी जो भी चीज़ें होती हैं हैंडमेड, जो भी हाथ की बनी हुई होती हैं या वहाँ का जो भी कल्चर होता है उसको वो यहाँ पर आकर सेल भी करते हैं, जिससे वो थोड़ा बहुत अर्न भी कर लेते हैं। सो इस तरीके का पूरा कल्चरल एक मेला लगता है। इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट देख सकते हैं कि कौन से कल्चर में, कैसे रीजन में क्या कल्चर है। और यहाँ पर कुछ डांस वगैरह भी है तो वो मैं आपको वीडियो में इन वीडियो दिखाऊंगी कि कैसा है। हम लोग क्या खा रहे हैं? मैगी चाउमीन। मैगी चाउमीन खा रहे हैं। और अभी ले रहे हैं यहाँ से बर्गर और एक और चाउमीन। मैं काफी सारा खाने के कुछ स्टॉल्स हैं। अंकल ये ब्लैंकेट कैसे है? ये मैडम अभी तो ये हम 35-3500 रुपये में बिके हैं, पर ये आप लास्ट पूछा हुआ जो हम 1500 रुपये में बेचते हैं। 1500 में कुछ कम नहीं होगा? नो, 1 रुपया भी इधर भी, 1 रुपया भी ऊपर भी, 1 रुपया भी, मतलब ये लास्ट है। तो पहले हम लोग कहाँ एंटर कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ गेट। कितनी अच्छा बना रखा है ना, मतलब पूरा दर्शाने के लिए। यहाँ पे बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है, काफी अच्छी क्रिएटिविटी है। तो यहाँ पर जो भी हमें देखने के लिए मिलेगा वो सब छत्तीसगढ़ से रिलेटेड होगा। फर्स्ट ये वाला है, अभी छत्तीसगढ़ है।
हम आपको भी दिखाएंगे कैसे बनाई। उन्होंने एक बड़ा सा बोल लिया बाउल और उसके अंदर एक इसी तरीके का कप डाला और उसके बाद उसको उसके ऊपर चाय डाली, देन उसके ऊपर फिर घुमाया जैसे वो कश्मीर में नहीं बनती है, कश्मीर में एकदम उसको कप को फेंक दिया फिर उन्होंने इस पर डाल दिया। उसका जो फ्लेवर है वो आया है। ऑफिस में काम करने वाले लोग चाय के दीवाने, चाय चाहिए, चाय इज लाइफ। और हमें भाई देसी लोग, हमने लिया है यहाँ पर छोले भटूरे, छोले भटूरे खाते हैं उसके बाद में देखते हैं और कुछ खाएंगे, पहले छोले भटूरे खा लेते हैं। तो गाइस हम लोग फिर से चाय के स्टॉल पे आ गए हैं और यहाँ पर सारे स्टॉल से कुछ ना कुछ लेने के लिए आपको इस तरीके का टोकन लेना पड़ता है। सो हम भी चाय लेने वाले हैं यहाँ पर। एक्सक्यूज मी, वन चाय प्लीज़। तो बहुत ही सुंदर सी एक लेडी गर्ल हमें चाय बनाकर देने वाली है। आपका गुड नेम क्या है? नीलम। ओके, दिख रहा है? फोन नहीं गिराऊंगी, फोन नहीं गिराऊंगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब ये इस तरीके से दे रही है। थैंक यू। इन्होंने पहले एंजॉय कर लिया। कैसी लगी तुम्हें? लो पकड़ो मेरी चाय, पियो पियो। कहाँ से आए हैं आप? कितनी दूर से? दिल्ली से। दिल्ली से ही हो? और ये मतलब चाय बनाने का आपने कब से स्टार्ट किया? ये मेरे भैया का स्टोर है। अच्छा, कौन सा पान है ये? फायर पान। ओह गॉड, ओह माय गॉड, दांत जल जाएंगे कोई बात। सीरियसली, ओह गॉड, ये लड़का हमारा। यार लेट हो रहा है, चलो भागो जल्दी अब। ओह गॉड, सो या गाइस हम लोग उतर रहे हैं और आज इतनी ज्यादा भीड़ थी हम लोगों को, मतलब जब हम लोग एंटर किए थे तो इतनी ज्यादा भीड़ थी। फिर हम लोगों को थोड़ी बहुत फाइनली खाने की जगह मिली, उसके बाद में हम लोग फिर घूमे घामे और हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। ये स्टॉल बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, लाइट देख सकते हैं पीछे। और ये एक जो है ना 15,000, बट लुक एट द क्वालिटी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एक में आपको 7 इस तरीके के मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। Thank you.
आउट मतलब एग्जिट गेट के पास आ गए हैं और अभी हम लोगों ने लिया था स्वीट कॉर्न और यहाँ पर ये लोग खा रहे हैं पॉपकॉर्न एंड स्वीट कॉर्न। सो गाइस हम लोग बिल्कुल बाहर की तरफ आ चुके हैं मेले के और ये देखें आप लोग व्यू कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अभी हम लोग बिल्कुल एग्जिट पे आ चुके हैं क्योंकि हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा सा मतलब मौसम सनसेट जैसा हो गया है बिल्कुल टाइम सो काफ़ी सनसेट जैसा हो गया है। देखिए आप काफ़ी सुंदर लग रहा है, ये देखिए बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। जो टाइम होता है ना 5:30 से 6:30 बजे के बीच का बहुत ही अच्छा हो जाता है और यहाँ पर ना पिछली बार झूले वगैरह लगे हुए थे, एडवेंचरस था काफ़ी, बट इस बार झूले कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर भी मेले की जगह मेले ने जगह ले लिया, झूलों की जगह मेले ने ले लिया है और यहाँ पे बैठे हैं ये सब बाला इन्हें करना था डांस बट बेचारी कर नहीं पाई नागिन डांस, क्यों मैडम नागिन डांस। सो या गाइस आई होप कि ये व्लॉग आप लोगों को मज़ा आया होगा देखकर, पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल क्योंकि अब यहाँ से हम लोग वापस जा रहे हैं एंड इस वीडियो को मैं कर रही हूँ एंड। सो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।